हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज बात करेंगे जुलाई माह 2022 वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होगा। झंडे गाड़ दोगे क्या? वैसे झंडे गाड़ने का समय आ गया है। संघर्ष को धीरे से डिस्कनेक्ट करने का समय आ गया है। शत्रुओं को पराजित करने का समय आ गया है। तो जुलाई का माह कैसा रहेगा आपके लिए, आज इसी की चर्चा करेंगे। तो अनुरोध है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा आपको, कोई डाउट नहीं है तो लोगों तक शेयर करिएगा। चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, तीन नक्षत्रों से आपकी राशि बनती है। कोई विशेष उद्देश्य लेके इस धराधाम पे आप आए हैं। ईश्वर के जो कार्य हैं गुप्त रूप से जिनको करना है, करवाना है उनको, उसी के लिए आपको यहाँ पे भेजा गया है। ऐसे कार्य करने आए हैं जो लोगों को स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होगा, लेकिन भविष्य में आप वो करके निकल जाएंगे। तो जुलाई का माह जो आपके लिए जा रहा है वो एक दृष्टिकोण से देखें तो बेहतर जा रहा है। 27 जून को ही आपके मंगल देव राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अब ये स्वराशि मेष राशि में इनका गोचर हो रहा है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, तीन नक्षत्रों की शक्ति लेकर चलेंगे। क्या करेंगे? शत्रुओं का पर्दाफाश करेंगे, शत्रुओं को सामने लाके प्रकट कर देंगे। शत्रु आपके सामने होगा। जैसे ऐसी स्थितियां क्रिएट होंगी कि शत्रुओं को आवरण के बाहर आना पड़ेगा और आप उन शत्रुओं का हनन कर सकते हैं। मंगल और राहु, राहु यहां सूर्य का प्रभाव लेके चल रहा है, सूर्य का प्रभाव लेके राहु चल रहा है, खष्टम है। दशम से अगर देखें तो दशम से खष्टम है राहु महाराज। कृतिका का प्रभाव लेके चल रहा है, तो कृतिका का स्वभाव लेगा, कृतिका का प्रभाव लेगा, सूर्य का प्रभाव लेगा, और सूर्य क्या है, उजाला कर देता है। जैसे अब महाभारत कारण देखें तो योगेश्वर भगवान कृष्ण ने कुछ समय के लिए ऐसा आवरण क्रिएट किया कि लगा कि सूर्य ढल गया, और फिर अचानक आवरण हटा तो अर्जुन से बोलते हैं उत्तिष्ठ, ये सामने है, वध कर इसका। तो ऐसे अवसर आपको मिलेंगे कि आपके शत्रु आपके सामने होंगे और सेनापति मंगल स्वतः अश्विनी नक्षत्र में चलेगा, मतलब गतिमान होगा, तो शत्रुओं का नाश कर देगा। तो स्टार्टिंग आपका शत्रुहंता योग से बन रहा है। इसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो राहु महाराज धीरे से कृतिका को छोड़ के भरणी में आ रहे हैं। भरणी मतलब भरण पोषण करना। तो राहु अपना स्वरूप परिवर्तित कर देंगे। अभी राहु जो सूर्य का स्वरूप लेके चल रहे थे, काटने छाटने की बात कर रहे थे, दग्ध करने की बात कर रहे थे, जलाने की बात कर रहे थे, वो राहु आप भरण पोषण करने की बात करेंगे, मतलब द्रव्य दक्षिणा, आपको द्रव्य उपार्जन की बात करेंगे। मंगल की स्थिति जैसे भरणी में राहु के साथ कनेक्ट होगी तो आप अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। विदेश तक से आपके संबंध बनेंगे, विदेश गमन का योग भी यहाँ पे बन सकता है, बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आपकी विदेश की यात्रा है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। मंगल राहु कष्टम भाव में, आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में बेवजह संघर्ष करना पड़ सकता है, या आपको उन लोगों से मिलने जा सकता है जो हॉस्पिटल में हैं, उन लोगों से मिलने जा सकता है जो जेल दर्शन योग में फंसे हुए हैं, तो उनसे मेल मिलाप करने के लिए आपको जाना पड़ सकता है। आपकी यात्राएं इस बीच काफी मात्रा में होंगी। आपके देखे तो मंगल चतुर्दृष्टि से नवम भाव पे हैं, तो धार्मिक यात्राएं भी आपके लिए बनती हैं। विदेश की यात्रा बनती है, सप्तम दृष्टि व्यय भाव पर है तो आप विदेश घूमने फिरने जा सकते हैं। और अष्टम दृष्टि आपके लग्न पे है तो व्यक्तित्व आपका मजबूत होगा, सोने की तरह निखर कर आओगे, दृढ़ता आएगी। क्या आएगी? दृढ़ता आएगी, मजबूती आएगी। तो ये मंगल का गोचर आपके लिए पूरा जाएगा 10 अगस्त तक। तो 10 अगस्त तक आप बेहतरीन काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मंगल को मजबूत करके रखिए। बात करें आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी, परिवार की स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम कितना मिलेगा, क्योंकि संसार में प्रेम बहुत कुछ है जी। प्रेम नहीं है तो जीवन भार सा लगता है, और आपसे ज्यादा बेहतर इस बात को कौन जान सकता है। तो आपके गुरु महाराज पंचम भाव में ही सुख रही है, लेकिन शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं।
अब शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में इनका गोचर हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो प्रेम मिल रहा है प्रेम मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा, उसकी गति जो है थोड़ी स्लो हो गई है। लेकिन धन की स्थिति से बात करें तो धनेश अपने से चतुर्थ हैं, अतः धन के दृष्टिकोण से जुलाई का माह आपके लिए बेहतर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर होने से भाग्य भी आपका सपोर्ट करेगा। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर होने से लाभ की मात्रा होगी। नवम दृष्टि आपके लग्न पर होने से निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व ज्ञानमय होगा, व्यक्तित्व आपका प्रशंसनीय होगा, ज्ञान पूर्ण कार्य आप करेंगे। शनि महाराज की बात करें सुख भूमि भवन वाहन, तो देखिए एक अच्छी बात तो यह है कि आपके कुंडली में जो शनि की ढैया चल रही थी उससे आपको मिल रही है मुक्ति, तो मानसिक तनाव कम होगा। यद्यपि वृश्चिक लग्न में जो शनि की ढैया होती है, शनि की साढ़े साती होती है, थोड़ी सी तकलीफ तो देती है। सब ध्यान रखिएगा, वृश्चिक लग्न में, सिर्फ वृश्चिक राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, लग्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। लग्न आप मान लीजिए, लग्न मतलब प्राइम मिनिस्टर, लग्न का मतलब घर का हेड, और राशि का मतलब घर का एक सदस्य या सरकार में कोई मंत्री। तो प्रधानमंत्री ज़्यादा मजबूत होता है या मंत्री, आपको बढ़ाएगा प्रधानमंत्री। उसी तरह आपके कुंडली में जो लग्न होता है वही डिसाइड करता है किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, मंत्रालय किसको कौन सा बांटा जाएगा जी, ये आपका लग्न डिसाइड करता है। इसलिए कभी भी आप जो बड़े ग्रहों का गोचरी स्थिति है उनको लग्न पे आधार बना के आप देखना शुरू करिए, आपको 82% चीज़ें एकदम बिल्कुल क्लियर सी मिलेंगी। राशि पे जाएंगे तो 28% से 36% तक आपको राशि में मिलेगी। तो ये जो हमारा प्रेडिक्शन है ये वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि के लिए है। अगर आपको पता है लग्न ही है तो पूरी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट होंगी। तो शनि महाराज आपके कुंडली में सुखेश हैं, अतः जब भी इनकी ढैया चलेगी, साढ़े साती चलेगी, तो आपको सुख की मात्रा देंगे, सुख मिलेगा। सुख कैसे मिलता है, बिना संघर्ष के सुख नहीं मिलता, बिना संघर्ष के सुख नहीं मिलता। तो शनि स्टार्टिंग में संघर्ष कराते हैं, फिर भूमि भवन वाहन घर गाड़ी ये सारी चीज़ें आपको प्रदान करते हैं। अभी शनि महाराज वक्री हुए हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि वक्री मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में हुए हैं, मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में हुए हैं, और तृतीय चरण से उतर के द्वितीय चरण तक ही आएंगे। धनिष्ठा के द्वितीय चरण में ही शनि रहेंगे मकर में। तो आपके जो पराक्रम है, पराक्रम में कुछ त्रुटि रही, काम कुछ भूल गए हैं, उसी काम को पूरा करने के लिए शनि वापस लौट रहा है पराक्रम के घर में। मित्र बंधु बांधव दोस्तों से कुछ बातें कनेक्ट नहीं हो पाई थी, उनको कनेक्ट करने के लिए शनि पुनः वापस गए हैं भाइयों के घर में, समझौता कराएंगे, रूठे हुए मित्रों को मनाएंगे, दोस्तों को मनाएंगे, कोई पुराने आपके जो संबंध थे टूट गए थे, बिखर रहे थे, उनकी तुरपाई करेंगे, उनको सिलेंगे, प्यार से समझाएंगे। तो शनि का वक्रत्व आपके लिए बहुत नुकसान देने वाला बिल्कुल नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर भूमि भवन वाहन मतलब घर बनाना चाहते हैं थोड़ा सा रुक जाइए, नहीं ऐसे कंडीशन में क्या होगा, गृह कार्य आपका विलम्ब हो जाएगा, जिनको आपने ठीका दिया है वो रिश्तेदारों से मिलने दूर चले जाएंगे, विदेश चले जाएंगे, जिन जो सर्वेंट हैं मतलब काम करने वाले लोग हैं उनके घर में फंक्शन हो रहा होगा तो वहाँ चले जाएंगे, ऐसी स्थितियाँ क्रिएट होती हैं। आपकी कुंडली में एक और महत्वपूर्ण ग्रह है जिनका नाम है शुक्रदेव। तो शुक्रदेव महाराज आ चुके हैं आपकी कुंडली में वृषभ राशि में, वृषभ राशि में 18 जुलाई तक ये वृषभ राशि में रहेंगे, और 2 जुलाई तक यहाँ पे बुध महाराज भी गोचर कर रहे हैं। किसी ने कमेंट किया था कि हवा हवाई बातें करते हो, बुध और शुक्र के लक्ष्मी नारायण योग सेकंड विवाह का कैसे कारक बनेगा, तो उन महोदय से मैं कहना चाहता हूँ कृपया ज्योतिष को मजाक में न लें, ज्योतिष उतना सरल भी नहीं है जितना मैं कह देता हूँ कि ज्योतिष सरल कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ज्योतिष दिमाग वालों के लिए। अगर आपके पास उसका अभाव है तो साधना में जाइए, योग में जाइए। इसके पीछे कहने का कारण क्या था, सप्तम भाव प्रथम विवाह का है और एकादश भाव द्वितीय विवाह का है, सप्तम भाव प्रथम विवाह का है और एकादश भाव द्वितीय विवाह का है, और लाभ का स्वामी किसका, लाभ का स्वामी द्वितीय विवाह का स्वामी अपने से नवम चल रहा है, अपने से नवम चल रहा है कहाँ पे, सप्तम भाव में। तो यहाँ पे शुक्र बुध की युति, अगर आपका दाम्पत्य जीवन खराब हुआ था तो उसको ठीक करने के लिए, या कहीं पे आपका कनेक्ट नहीं हुआ था तो कनेक्ट करने के लिए, दूसरा विवाह की बात आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कामनाओं की पूर्ति का घर है, तो कामना अब पूर्त नहीं हो रही, बहुत दिन से आप अकेले पड़े हुए हैं, तो कामना पूर्ति के लिए जाना जाएगा।
इस तरह से इसको कनेक्ट करके देखना। अगर आपको कनेक्ट करना नहीं आता महाराज ना, तो बेवजह कमेंट ना करें। राधे राधे। तो शुक्र महाराज आपके, चूंकि शुक्र विलासता के कारक है, शुक्र धन के कारक है, शुक्र आपके कुंडली में विदेश से संबंध बना के रखते हैं, तो विदेश से आपके संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापार आपका अच्छा चलेगा, बंधु बांधव मित्रगण आपके सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 जुलाई के पश्चात बुध देव अपने स्वतः की राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो स्वतः की राशि में अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव क्या होता है? गुप्त धन का होता है, ससुराल से संबंधों का होता है, ससुराल के धन का होता है, पत्नी का निजत्व होता है। तो ये बुध का जो गोचर है यहाँ पे भी आपको बेहतर फल देता हुआ दिखाई देगा। कारण क्या है? कारण आप देखें तो यहाँ पे बुध जो है अपने घर से दशम जाएंगे, बुध अपने कन्या राशि से दशम होंगे। और कोई भी ग्रह अपने घर से दशम जाता है ना, तो उसको शक्ति मिलती है, बल मिलता है। तो यहाँ पे बुध बलशाली रहेंगे, सूर्य के साथ रहेंगे लेकिन अस्त नहीं रहेंगे, सूर्य के साथ रहेंगे लेकिन अस्त नहीं होंगे, अतः आपको लाभ देंगे, जमीन के नीचे से लाभ देंगे जी। अगर विदेश में जा रहे हो, ऐसे देश में जा रहे हो जिसका स्तर भारत से नीचे है, मतलब ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, तो आपको निश्चित रूप से गुप्त लाभ होगा, ज़्यादा लाभ होगा। तो यहाँ पे बुध आपको लाभ देकर ही जा रहे हैं। आपके कुंडली में सूर्य महाराज का भी गोचर हो चुका है। सूर्य महाराज मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। 16 जुलाई तक मिथुन में रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे कर्क में। तो स्टार्टिंग में जो थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा, क्योंकि सूर्य महाराज स्टार्टिंग में आर्द्रा नक्षत्र में चलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, आर्द्रा में। तो आर्द्रा में जब सूर्य जाएंगे तो थोड़ा सा आत्मा पे प्रभाव ज्यादा पड़ता है, थोड़ी मलिनता आती है, पुराने जो खंडित विचार है वो आपके साथ कनेक्ट होते हैं, और कुछ ऐसी यादें होती है जो आपको तकलीफ देती है। पिता पे, क्योंकि सूर्य आत्मसम्मान का कारक है, मान का कारक है, और राहु के आर्द्रा नक्षत्र, आर्द्रा मतलब जहाँ पे हर जगह दुख है, आर्द्रा मतलब जहाँ पे तकलीफ है, जहाँ पे सिर्फ नीरवता है, सिर्फ विध्वंस है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो वहाँ पे सूर्य जाके अपने आप को सहज नहीं पाता, सूर्य का रथ जो है अवरुद्ध हो जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मान सम्मान पे प्रभाव, मतलब कोई सीनियर आदमी ऐसी बात बोल देगा कि आप पलट के जवाब नहीं दे पाओगे और मन महसूस कर रह जाओगे। लेकिन ये 16 जुलाई के बाद कर्क में जा रहे हैं, तो कर्क में जाने के पश्चात स्थितियां आपके लिए ठीक बन जाएंगी। आपके कुंडली में राहु महाराज और केतु महाराज यथावत स्थिति में हैं। राहु महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं, राशि जा रहे हैं, सॉरी नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, कृतिका नक्षत्र से भरणी की ओर जा रहे हैं, आपके लिए शुभ कारक। एक और मजे की बात वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों के लिए, शनि की स्टार्टिंग में आपके ऊपर 10वीं दृष्टि है आपके लग्न पे, शनि की 10वीं दृष्टि है आपके लगन पर, आपके व्यक्तित्व पर, आपके राशि पे। और शनि महाराज धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में चल रहे हैं, तो वो आपके बल रहेगा, शक्ति रहेगी। तो स्टार्टिंग में शत्रुओं से डट के मुकाबला कर सकते हो, शत्रुओं का पर्दाफाश कर सकते हो, नेस्त नाबूद कर सकते हो। ये शनि आपको दशम दृष्टि का फल देगा। वहीं पर गुरु महाराज की नवम दृष्टि है, गुरु महाराज की नवम दृष्टि है, और गुरु महाराज भी शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं। ध्यान देने वाली बात देखिएगा, गुरु महाराज भी आपके कुंडली में उत्तर भाद्रपद में चल रहे हैं, मतलब शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं। तो शनि गुरु दृष्टि क्या होगी? गुरु की ज्ञानमय दृष्टि होती है, शनि डिस्कनेक्ट करने के लिए जाना जाता है। आप गुरु की ज्ञानमय दृष्टि शत्रुओं से डिस्कनेक्ट कर देगी, आपके व्यक्तित्व को प्रभावी बनाएगी, आपको कर्मठी बनाएगी, आलसी नहीं बनाएगी, आपको गुप्त चीजों को बहुत गुप्त तरीके से ज्ञान हो जाएगा, आभासीय सुख मिलेगा। मतलब कोई चीज होने वाली है, पहले से ही आपको आभास हो जाएगा कि ये चीजें यहाँ पे ऐसे घट सकती हैं, तो इसका आप आनंद लीजिए। साथ में मंगल राहु इकट्ठे हैं, अब राहु का स्वरूप, राहु का प्रभाव ले लेगा मंगल, क्योंकि मंगल अपने घर में है भाई, हम अपने घर में हैं, आप हमारे घर में आए हैं, और हम चल भी रहे हैं किसमें, अश्विनी में, तो हमारा प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो मंगल राहु का प्रभाव ले लेगा, और राहु की मंगल की अष्टम दृष्टि लगन पर है, तो यहाँ पे व्यक्तित्व आपका जो होगा थोड़ा सा दृढ़ता वाला होगा, झुकने वाला नहीं होगा, मैं झुकेगा नहीं, ठीक है ना, तो वो प्रभाव रहेगा। लेकिन आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रचे जाएंगे, राहु षड्यंत्रात्मक है, ठीक है ना, एकदम हरदम ध्यान रखिएगा। और शनि का वक्रत्व हो जाना ये बताता है कि आप थोड़ा सा जो आप विचार हैं वो हो सकता है सही दिशा में ना जाए,
बुध का अष्टम भाव में चले जाना, बुद्धि का थोड़ा सा मलिन हो जाना या बुद्धि का आप पहले हैंग हो जाना, इस तरह की स्थितियां होंगी तो आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रचे जाएंगे। लेकिन मंगल की अष्टम दृष्टि लगन पर है तो शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, साथ में स्टार्टिंग में बुध की भी दृष्टि आपके लग्न पे ही है, आपके राशि पे है, तो बुध आपको बुद्धिमान बनाएगा। शुक्र की दृष्टि भी आपके लग्न पे ही है तो शुक्र आपको क्या है, वैभवपूर्ण बनाएगा, शुक्र आपको सुंदर बनाएगा, स्मार्ट बनाएगा, लोगों को आकर्षण का केंद्र बिंदु बनाएगा। तो आप देखें पांच पांच ग्रहों की जो दृष्टि है वो आपके लग्न पर पड़ रही है, तो पांच ग्रह की दृष्टि बहुत ध्यान देने वाली बात है। शुक्र महाराज चंद्रमा की दृष्टि, चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहे हैं, रोहिणी वाला प्रभाव लेके चलेंगे। वही बुध महाराज देखें तो मंगल का प्रभाव लेके काम कर रहे हैं, तो आपका जो ये जुलाई का मास जा रहा है ऐतिहासिक जाएगा, दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे, कोई मुकदमाबाजी चल रही है तो उसको फिनिश करने की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, जो संघर्ष है वो सफलता के कपाट खोलने के लिए आगे बढ़ रहा है। संघर्ष तो चलेगा लेकिन शत्रु हारेगा, विजय आपको मिलेगी। क्या करें, अपने लग्नेश को और अपने पंचमेश को मजबूत करके रखें, हो सके अगर आपको पता है वृश्चिक लग्न ही है तो गुरु की गुरुता धारण करिए ना, गुरु की गुरुता आपको उच्चता तक ले जाएगी। चलिए परमात्मा सबका मंगल करें, आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।